चलिए क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब आहरण पर ब्याज निकालना। क्वेश्चन भले मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, तो आप लोग भी इस लेक्चर से पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ने के पहले एक बार आपको मैं जरा कुछ बेसिक बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने के पहले हमको ड्राइंग्स समझना पड़ेगा। व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आहरण। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पहले भी हम समझ लें जरा ड्राइंग्स क्या होता है। ओके, तो देखिएगा, ध्यान से सुनना है सभी को। ये मान लीजिए एक फर्म है, उसमें पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। हालांकि ड्राइंग्स आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर यहाँ डिटेल में पढ़ लेते हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं। अगर वो पार्टनरशिप फर्म से फर्म का कोई भी एसेट या फिर कोई भी पैसा मनी अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसी को हम कंसीडर कर लेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, मतलब आहरण क्या होता है कि यदि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कोई भी पैसा या कोई भी एसेट्स पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसा विड्रॉ करता है, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब वो भाई फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा, पैसा निकालेगा, तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है उस फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। आप कहेंगे सर अभी हमको ये समझ में नहीं आया है, ज़रा अच्छे से समझाइए एक बार फिर से। तो फिर से समझिए ज़रा। चलिए ये मानते हैं ये एक पार्टनरशिप फर्म है। फर्म का नाम क्या है? ए बी सी एंड एसोसिएट। ध्यान से सुनना है क्योंकि मेरा काम है कॉन्सेप्ट को समझाना। और भाई आप अभी 12वीं कक्षा में हो और 12वीं क्लास में आपको सिर्फ आप सवाल नोट कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक सीए फॉर्म में अभी एसोसिएटेड हूँ, वर्क भी कर रहा हूँ इस फील्ड में, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल जो है ना वो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो एबीसी फर्म है। ठीक है, अब इस फर्म का नाम क्या है? मान के चलो एबीसी एंड एसोसिएट्स करके फर्म है और ये पार्टनर्स हैं ए बी और सी। तो यहाँ पर टोटल कितने लोग हो गए? आप कहेंगे सर तीन लोग हैं। नहीं, मैं कहूँगा भाई यहाँ पर हैं चार लोग। चार लोग कौन कौन से? एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया और एक एबीसी। मतलब जो फर्म है उसका एक अलग से अस्तित्व है, लीगल एग्जिस्टेंस है उसकी। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो फर्म के लिए कर रहे हैं, किसी एक पार्टनर के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? तो पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई पार्टनर पर्सनल पैसा विड्रॉ करता है तो इस पार्टनर को उस फर्म को ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है, और पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हमको इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे पहले ये सीखना है हमें। आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस अभी कुछ किए होंगे, बाकी अब वीडियोस अब थोड़े से दिक्कत हो रही थी अपलोड करने में, अब थोड़ा सा कंटिन्यू रखता हूँ मैं, क्योंकि अभी सारे बैचेज स्टार्ट हुए हैं ऐप पर। जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा समय दे रहा हूँ मैं, तो यूट्यूब पर थोड़ा सा स्पीड कम है अपलोडिंग की, बट मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी रेगुलर बैच हमारा ज्वाइन करना है ऑनलाइन मोड पर या वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप कॉमर्स मेंटोर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की मेथड होती है, सबसे पहली मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब इनटू करना, गुणा करना। ठीक है ना, तो भाई टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहां पर हम क्या करेंगे, जितनी भी ड्राइंग्स होगी उसका मंथ्स के साथ इनटू कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12। ये 12 कौन सा है? मंथ्स के लिए है। ठीक है, और 100 रेट के डिवाइड में लगता ही है। इसी फॉर्मूले में अगर आपको डेज दिए हैं तो यहाँ पर 12 की जगह पे 365 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। आपके पास फैसिलिटी है, अगर मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके भी पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को बैक करके आराम से नोट कर लीजिए। सेकेंड मेथड कौन सी है? एवरेज ड्यू डेट मेथड है। इसमें एवरेज मंथ्स या फिर डे क्वेश्चन में गिवन होता है, तो इसमें सबसे पहले आपको टोटल ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो भी आप प्रोडक्ट मतलब इनटू करेंगे उसका टोटल कर दीजिए, फिर टोटल ड्राइंग से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज मंथ निकल आएगा कि हमको कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है। फिर इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ ड्राइंग्स इनटू एवरेज मंथ। एवरेज मंथ यही वाला, ठीक है ना, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12। 12 की जगह पे हम 365 डेज तब लिखेंगे जब हमें मंथ या डेज दिए हों तब।
क्लियर हो गया। मंथ दिया है तो 12 लिखेंगे, डेज दिया है तो 365 लिखेंगे। ये फॉर्मूला है, एग्जाम में ड्राइंग्स का क्वेश्चन आएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल मेथड में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, इसको हिंदी में साधारण विधि कहते हैं। इस पर ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू मंथ्स, अब ये फॉर्मूला एक ही है ना, मंथ्स या बटे 12 या फिर डेज अपॉन 365। मतलब जनरली हम ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में मंथ दिया होता है, पर अगर डेज दिया हो तो फिर उसको 365 से डिवाइड करना है। क्लियर, तो ये तीन मेथड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको मोस्ट आईएमपी टिक कर दूं मैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है ये। सबसे पहला, अभी ये हमने जो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले देखे, इसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ विड्रॉल आपको दी रहती है, इवन विड्रॉल्स होता है, मतलब जो पार्टनर्स पैसा निकालते हैं वो किसी महीने में 4,000 रुपये निकाला, किसी में 8,000 रुपये निकाला, किसी में 20 निकाल लिया, तो फिक्स नहीं रहता है। तो अगर फिक्स नहीं रहता है तो हम कितनी मेथड निकाल सकते हैं, ये तीन मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट फिक्स है कि वो हर महीने 20 तारीख, हर महीने 20,000 रुपये निकालेगा, हर महीने 25,000 रुपये निकालेगा, तो फिर यहाँ पर ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। पहला, अगर ड्राइंग की अमाउंट फिक्स है और पार्टनर्स जो है मंथली ड्राइंग करता है ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन द फिक्स्ड डेट ऑफ एवरी मंथ, तो आपको फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ मतलब महीने की पहली तारीख को ही वो पैसा निकाल लेता है, तो 6.5 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, 6.5 मंथ्स है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता ये है क्या चीज़ भाई, ये 6.5 का चक्कर क्या है, लेकिन आपको 6.5 मंथ्स का ब्याज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वही पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट करता है तो 5.5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिडिल ऑफ ईच मंथ करता है तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर मतलब कि 4 महीने, ठीक है। तो अगर वो तीन महीने मतलब साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं तो 7.5 मंथ्स का कैलकुलेट करेगा। फिर एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 मंथ्स का कैलकुलेट करेगा। ये आपको याद रखना है, ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। इनमें से शुरू के 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आखिरी वाले 2 कम इम्पॉर्टेंट हैं। एक खास बात और, ये MCQs में ज़रूर पूछा जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये मंथ्स आते कैसे हैं भाई, 5.5 मंथ्स या 6 मंथ या 7 मंथ आते कैसे हैं? तो वैसे तो ये 12th क्लास के आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी ये CA लेवल में आता है क्योंकि मैंने CA में ये पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में। भाई ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, मान लीजिए मंथ के शुरुआत में निकाला तो नंबर ऑफ विड्रॉल्स मतलब कितना पैसा निकाला है उन्होंने, प्लस 1 कर दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जैसे नंबर ऑफ विड्रॉल्स बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 12 बार पैसे निकालेगा, प्लस 1 कर दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 आ जाएगा। ओके, अरे आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, आप यही वाला सिखाइए ना, रटा क्यों रहे हैं? भाई हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो और बुक में फैक्ट्स दिए हुए हैं, याद कर लो। अगर याद नहीं भी करना है तो मैं तो सिखा ही रहा हूं। अगर आप कहेंगे सर इसी को दूसरे में बताइए ना, एंड ऑफ द मंथ में पैसे निकालता है वो, हर महीने की आखिरी तारीख को पैसे निकालता है, तो कितने विड्रॉल्स होंगे सर? इसमें होंगे 11 विड्रॉल्स, क्योंकि आखिरी महीने मतलब वो महीने की आखिरी में पैसे निकाल रहा है ना, तो फर्स्ट महीने मान लीजिए कि 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, तो भाई अप्रैल महीने से अप्रैल की 30 तारीख को पैसे निकाल रहा है वो, मतलब अप्रैल महीने का ब्याज नहीं लगेगा, तो एक्चुअल विड्रॉल्स कितने काउंट होंगे, 11, तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 6, तो एंड ऑफ द मंथ में 6। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आपको कुछ चीज़ रटना नहीं है, पर ये MP बोर्ड के टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं स्कूलों में, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर हो गया, चलिए तो इस तरीके से आप इसको करिएगा। Now move to the question. अब हम एक numerical question लेते हैं, आइए जरा question number 4 पर मेरे साथ में आइएगा। Calculation of interest on drawings. हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो भी ध्यान से देखिएगा, question को एक बार पढ़ते हैं।
रमन एंड बबन आर पार्टनर्स। रमन और आपको ये कौन सी बुक है पता होना चाहिए कि मैं एमपी बोर्ड का अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ राठी की बुक से। तो भाई अगर आपके पास राठी की बुक नहीं है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट से राठी की बुक खरीदिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है किसी भी शहर में, बड़ी अच्छी बात है भाई, कोचिंग पढ़ो जाके। लेकिन आखिरी में मैं बता दूं, काम यही वीडियो लेक्चर्स आने हैं आपको, ठीक है ना। तो पहले अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो सारे वीडियो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। थोड़े बहुत वीडियो जो है वो एप्लीकेशन पर रहेंगे, कुछ यहाँ रहेंगे, तो सब मिल जाएगा आपको। ओके, क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, रमन और बबन पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, ठीक है। और रमन ने विड्रॉ किया है 2,000 रुपये पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिख दिया ना भाई 2,000 रुपये पर मंथ, तो ये फिक्स अमाउंट हो गई। तो आप समझ जाइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, बिगनिंग एंड और मिडिल वाला। और पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ये ड्रॉइंग्स हो गया। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट 10% पर एनम। साझेदारी समझौते के अनुसार उसको 10% का ब्याज दिया जाता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन रमन्स ड्रॉइंग इफ ड्रॉइंग्स इज मेड। मतलब पहला है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द मंथ में, या मिडिल ऑफ द मंथ में। आप कहेंगे सर वो तो हमने अभी देख लिया था टेबल में, तो बिल्कुल भाई वही है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, एंड ऑफ द मंथ में कितने महीने का लगेगा, और मिडिल ऑफ द मंथ में कितने महीने का लगेगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, जिससे कि क्योंकि लाइव में सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपके लिए मेहनत करके पहले से ही सॉल्व कर लिया है। तो आइए एक बार देखते हैं भाई, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉल करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो रही है उसकी। 2,000 रुपये महीने पैसे निकाल रहा है वो, 12 महीने का निकालेगा तो साल भर में हो जाएगा 24,000 रुपये। तो ये उसकी टोटल ड्रॉइंग्स है। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो कितने महीने का ब्याज लगेगा, 6.5 मंथ्स का ब्याज लगेगा। समझ में आ गया, ये 6.5 मंथ्स कहाँ से आया है, तो 24,000 का 10% इंटू 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स अभी जो पढ़ाया था वहीं से इसको सॉल्व कर देंगे तो 1,300 रुपये आ जाएगा। आप कहेंगे सर हमको सॉल्व करना नहीं आता है, सिखाइए। तो लो भाई, 2 जीरो कैंसिल। वैसे आपने क्लास 4 में सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा, वहाँ पर ये सब सिखाते हैं, पर चलिए फिर से पढ़ते हैं। तो भाई 12 से पहाड़ा पढ़िए, 12 से दो बार, तो यहाँ बचा कितना हो गया, यहाँ पर 12 से दो तो जीरो बचा 20, 20 इंटू 10 कितना होता है 200, 200 का 6.5 में इंटू कर देंगे 1,300 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करना तो आसान है, इतना आपको आना चाहिए। सेकेंड केस है एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी में अगर वो पैसा विड्रॉल करता है तो ना भाई टोटल तो 24,000 रुपये ही निकालेगा, तो 24,000 का 10% एंड ऑफ द मंथ में क्या है, विड्रॉल में 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। क्लियर हो गया, तो ये आ जाएगा 1,100 रुपये। और अगर मिडिल ऑफ द मंथ में पैसे विड्रॉ करता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 1,200 रुपये। ये आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, आप कहेंगे सर हमें नहीं आया, एक बार फिर समझाइए, तो मैं कहूँगा भाई मैंने समझा दिया है फिर भी नहीं आया ना, तो एक काम कीजिए, जस्ट डू वन थिंग, जस्ट लर्न दिस, ठीक है ना, क्रैम इसको, रट लीजिए। आप कहेंगे सर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रट्टा सिखा रहे हैं क्या, नहीं रटना नहीं है, बस जस्ट मगम, ठीक है ना भाई, याद कर लो डेटा। समझ में आ गया, सबसे पहले 6.5 महीने का है मतलब बिगनिंग ऑफ द मंथ, लास्ट या एंड ऑफ द मंथ में 5.5 महीने का, मिडिल ऑफ द मंथ में 6 महीने का। और ये क्वार्टर वाला भी याद कर लो, बिगनिंग में 7.5 महीने का, एंड में 4.5 महीने का। गॉट इट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वहां पे चलते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में खास। मीरा, ठीक है, मीरा एक पार्टनर है, उसने विड्रॉ किया है अमाउंट 31 दिसंबर 2018। अच्छा आप कहेंगे सर ये 2018 क्यों लिखा है, यहाँ हमारी किताब में तो कुछ अलग लिखा है। भाई मैंने ना पुरानी किताब से ही क्वेश्चन टाइप करवा दिया है, क्योंकि मेरे पास बुक ऑलरेडी है, अगर क्वेश्चंस वैसे भी चेंज होते नहीं हैं, ठीक है ना। तो नई बुक में भी ये सारे क्वेश्चन इसी क्रम में मिलेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है।
तो मीरा जो है एक पार्टनर है फर्म में, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी विदड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, फर्स्ट फैब को 12,000 रुपये, फिर ये सब कहानी क्वेश्चन में दी है भाई, 30 अप्रैल को 6,000, 30 जून को 9,000, 31 अगस्त को 12,000, ये वो आखिरी में क्या लिखा है ये देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 9% पर एनम कैलकुलेट करना है बाय प्रोडक्ट मैथड, समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर ये प्रोडक्ट मेथड क्या है, समझाइए ज़रा, मैं यहीं पे थोड़ा बहुत बताता हूँ फिर चलते हैं क्वेश्चन में, एक बार ज़रा ध्यान से सुनिएगा भाई। ये हमारा ईयर, जनरली आपकी बुक जो एमबी बोर्ड में है ना, तो इसमें कैलेंडर ईयर ये लोग लेके चलते हैं। कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है, 1 जनवरी से, और ख़त्म कब होता है, 31 दिसंबर को। वैसे तो बाकी की बुकों में फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं जो अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन एमबी बोर्ड की बुकों में आज भी वही पुराना सिस्टम कैलेंडर ईयर लेके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, हमारा ईयर कब से शुरू हो रहा है भाई, जनवरी से, और खत्म कब होगा, दिसंबर में खत्म होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कैलेंडर ईयर का मतलब, मतलब इस सामने वाले मीरा जो कि एक पार्टनर है, मीरा ने 1 फरवरी को पैसे निकाला, ठीक है, तो बताइए मीरा ने 12,000 रुपए निकाला है, कितने 9% का ब्याज देना है मीरा को, तो 12,000 का कितने महीने का ब्याज देगी मीरा। तो भाई फरवरी से गिनो, फरवरी से कहाँ तक गिनोगे आप, फैब से लेकर के दिसंबर तक इसने पैसा यूज़ करा है, 31 दिसंबर तक, तो यहाँ तक गिनेंगे, ठीक है ना, कितने महीने हो जाएंगे, 9 मंथ्स हो जाएंगे। फिर यहाँ अप्रैल, 30 अप्रैल को पैसा निकाला उसने 6,000 रुपये, अब 30 अप्रैल को निकाला है तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, मतलब 4 महीने नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि इसने तो यहाँ पैसे निकाले ही नहीं है, मतलब 30 अप्रैल के बाद से गिनो, मतलब मई से गिनो, तो मई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 8 महीने। 30 जून को पैसा निकाला है तो फिर जून के बाद जो महीना आता है जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने। 31 अगस्त को पैसे निकाला है तो सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर और दिसंबर 4 महीने का ब्याज लगेगा। 1 अक्टूबर को लगाया है तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर यहाँ 3 महीने का। 31 दिसंबर को पैसे निकाला है, कोई ब्याज नहीं लगेगा भाई, उसी दिन तो निकाला ही है, अगले साल लगेगा, मतलब इस दिन तो नहीं लगेगा। तो ये तो मंथ हो गया। अब रेट आपको क्वेश्चन में 9% दिया है, तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, अब आसान हो गया क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोडक्ट मेथड से। इस क्वेश्चन का वीडियो मैंने पहले अपलोड करा था, उसमें सॉल्व नहीं करा था मैंने, जो मतलब 2019 में अपलोड करा था मैंने यूट्यूब पे, 2020 है शायद वो। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपने उसको सॉल्व, आंसर ही नहीं आ रहा है, तो लो भाई जो पुराने वीडियोज़ देखते हैं आ जाओ, यहाँ पर आंसर आएगा, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको इसी तरीके से रखना है जैसे मैंने किया है, आइए देखते हैं। सबसे पहला कॉलम डेट हो जाएगा, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट। इस कॉलम को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है क्योंकि ये कोई अकाउंट्स नहीं है, दीज आर जस्ट कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस कैसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, वो हमारी मर्जी है, बिना लाइन खींचे भी कर सकते हैं। जनरली आपको अकाउंट्स में इस तरीके की प्रेजेंटेशन रखना है जिससे दिखने में भी अच्छा लगे। आइए, तो भाई 1 फरवरी को 12,000 रुपये निकाला, 11 महीने, ये मंथ मैंने बता ही दिया आपको कैसे आना है, तो 12,000 का गुणा कर देंगे 11 में, तो कितना आएगा प्रोडक्ट इसका, 1,32,000 रुपये, फिर 6,000 का इंटू करेंगे 8,000 में तो 48,000 आएगा, फिर 9,000 रुपये का 6 में इंटू कर देंगे तो 54,000। ये मंथ्स निकालना मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ते समय ही बता दिया है आपको, इन सब का आपको क्या कर देना है, इंटू कर देना है, और टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, 3,06,000 टोटल आएगा। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किस केस में, इन दिस केस, इन द प्रोडक्ट मेथड, तो फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो रहा है भाई, 3,06,000 इंटू 9 अपॉन 100 इंटू 12। अब आप कहेंगे कि सर हमको ये मैथ्स नहीं आती है सॉल्व करना, सिखा दीजिए ज़रा, तो लो भाई चलो मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ। 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, आप कहेंगे वाह सर 3 का पहाड़ा पढ़िए, तो 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, आप कहेंगे सर अब क्या करेंगे, 3060 क्या 4 से डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं, तो 4 से जाएगा 7 टाइम, ठीक है,
यहाँ 2 बच गया तो 4 से जाएगा 6 टाइम, और फिर 2 बचा तो 4 से जाएगा 5 टाइम। 765 में 3 का गुणा तो अब आप कर ही लेंगे। आप कहेंगे नहीं सर हमें इंटू करना भी नहीं आता है। अरे भाई तो 12वीं कैसे पास हो गए अगर इंटू करना नहीं आता है तो? फिर भी आप कहेंगे नहीं सर इंटू करके बताइए आप तो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, 700 का 3 में करूँगा भाई तो 2100 हो जाएगा, 65 का 3 में करूँगा तो कितना होगा 180 और 15 195, तो 21 और 2295 ये लो, मैंने डायरेक्ट इंटू कर दिया, मुझे 700 का भाड़ा भी आता है ना। तो आप लोगों को ये इंटू करना मैं हर क्वेश्चन में नहीं सिखाऊंगा, शुरुआत में आपकी मदद ज़रूर करूंगा क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं और मुझे पता है कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें इंटू करना भी नहीं आता है, खासकर अभी जो बच्चे आ रहे हैं जो 10वीं पास करके आए हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई वो कृपा पात्र पास करके आए हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं, बाकी आपको पता है। ठीक है चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी तो खत्म हो गई, अब आ गया अगला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो लिखा है ना इसका एक एक चीज़ हमको समझना है। सबसे पहले व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, यहाँ मतलब आपको सीखना पड़ेगा भाई ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है, फिर अगर वो अब्सेंस है नहीं है तो क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। तो चलिए एक बार इस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ध्यान से सुनिएगा। तो कभी आप लोगों क्योंकि अभी 12th में है, मैं भी 12th में हिंदी मीडियम में जब पढ़ता था, मैंने हिंदी मीडियम में 12वीं पढ़ा है ठीक है ना, बाद में इंग्लिश में सीए मैंने इंग्लिश में किया है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जब मैं भी पढ़ता था पहली बार तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, तो मैं भी ये मान के चलता हूँ कि जब आप क्लास 12th में हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं पता है। मैं आपको एज अ 12th स्टूडेंट की जो थिंकिंग होती है उसी तरीके से पढ़ाऊँगा। तो भाई पार्टनरशिप डीड को ज़रा देखिए एक बार, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। तो भाई मान के चलते हैं कि दो लोग हैं उनको आपस में पार्टनरशिप करनी है, तो पार्टनरशिप करनी है तो वो कहाँ जाएंगे, किसी किराने की दुकान में थोड़ी ना जाएंगे कि भाई हम पार्टनरशिप करनी है क्या करो, या किसी डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, वो किसी इंजीनियर के पास थोड़ी ना जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे किसी एडवोकेट के पास या फिर किसी सीए के पास जाएंगे। ठीक है मैंने खुद पार्टनरशिप डीड कई करवाई हैं तो मुझे पता है कैसे बनता है। तो वो एडवोकेट या सीए के पास जाएंगे, फिर उनसे बोलेंगे कि सर हम लोगों को आपस में पार्टनरशिप करनी है तो हमारे बीच में एक रिटन एग्रीमेंट कर दीजिए, लिखित समझौता। ठीक है रिटन एग्रीमेंट लिखित समझौता, हमारे बीच में एक लिखित समझौता हो जाए। तो अब आप सुनिए जरा इस लिखित समझौते में क्या क्या होता है। भाई मान लीजिए कि मैंने पार्टनरशिप शुरू किया, मैंने कहा देखो हमारी पार्टनरशिप शुरू होगी 1/4/2022 से लेकर के 1/31/2020, सिर्फ एक साल की पार्टनरशिप करना है। चलिए वो भी किस लिए करना है, चलो ऑनलाइन पढ़ाने का ही कर लेते हैं। हमने पार्टनरशिप कर लिया ठीक है, अब इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग 50-50 शेयर करेंगे। तो 50-50 शेयर करना मतलब 1:1 का रेशो रहेगा ठीक है, अनुपात रेशो निकाल लिया। अब इसमें और भी शर्तें लिख सकते हैं कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट मतलब हम इतनी इतना पैसा लगाएंगे दैट इज़ कैपिटल, मान लो 5-5 लाख रुपये लगा दिया दोनों ने ठीक है, उसके अलावा और भी रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाटएवर जो भी इच्छा हो यहाँ लिखवा सकते हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप। तो व्हाट इज़ पार्टनरशिप एग्जैक्टली, मतलब अगर एग्जाम में आए तो क्या लिखोगे आप लोग। तो भाई पार्टनरशिप डीड का मतलब कि पार्टनर्स के बीच में आपस में होने वाले रिटन एग्रीमेंट मतलब लिखित समझौते को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कि यहाँ तो लिखा है अब्सेंस, मतलब भाई ना हो तो क्या होगा। तो अब हम पढ़ते हैं अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक चीज़ बता दूं अभी आप लोग क्योंकि बिल्कुल नए कनेक्ट होंगे मेरे साथ में चैनल पर, मैं जिन क्वेश्चंस को आईएमपी टिक करवाता हूं उसको आप ज़रूर सीरियसली पढ़िएगा क्योंकि मैं 2008 से एमबी बोर्ड पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट रैंकर भी हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो चुके हैं, अकाउंट्स में हाईएस्ट मार्क्स भी ला चुके हैं ठीक है, भोपाल के बड़ी बड़ी स्कूलों में भी रैंक लेके आ चुके हैं। तो मेरी जो भी बात बोलूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 12वीं कक्षा का खासकर एमबी बोर्ड है ना। और मेरी प्रिडिक्शन क्योंकि ऑनलाइन प्रिडिक्शन करता हूँ मैं भाई, सब तो अब यूट्यूब चैनल पर ही डला हुआ है,
मतलब 2019 से मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग ये जो YouTube पर बहुत सारे आए हैं ना, ये तो अभी आए हैं। मैंने सबसे पहले MP बोर्ड पढ़ाना शुरू किया था, आप चाहें तो देख सकते हैं YouTube पर, राइट, 2019 से ही। तो 2019, 2020, 21 सारे पेपर मैंने पहले ही बताए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं में से आए हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ एक स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट IMP है, एग्ज़ाम में आने की मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरी में आता है, थ्योरी में क्या आएगा सुनिए, रूल्स एप्लीकेबल, मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, ठीक है ना, इन द अब्सेंस ऑफ, ये यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप डीड, है ना, मतलब हिंदी में कैसा प्रश्न आएगा, साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए, अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए, मतलब कि अगर पार्टनर्स के बीच में आपस में एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा। तो ये पहले 2-3 मिनट समझा देता हूँ, फिर इसकी थ्योरी जब पढ़ाऊँगा ना तो और डिटेल में पढ़ाऊँगा। सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट की। तो भाई इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट कौन सा अप्लाई होता है, 1932, ठीक है, साझेदारी संलेख अधिनियम 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि किसी भी पार्टनर को कौन कौन सी बातें कहता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा काम करने के बदले में, ठीक है ना, किसी भी पार्टनर को कोई भी अदर रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई अलग प्रतिफल कि भाई ये लो इतना ले लो, नो अदर रेमुनरेशन, ठीक है। तो पार्टनर को देंगे क्या भाई, पार्टनर को, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई पैसा दिया है ना, तो उसको हम देंगे ओनली, सिर्फ एक चीज देंगे बस पूरे, और कुछ भी नहीं देना है, ओनली, कहाँ गया भाई पेन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम, उसको सिर्फ 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, बाकी कुछ नहीं देना है। इसको कॉपी में नोट करिए, मोस्ट IMP कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल फिर से समझाऊं, अगर पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है, मतलब उनके बीच में लिखित समझौता नहीं है, तो फिर पार्टनरशिप के इसके रूल अप्लाई हो जाएंगे, उनको कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, कोई अदर रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ लोन पर 6% का ब्याज मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है, ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़िएगा, ओके। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा मैं। 1 जनवरी 2018 को ए और बी पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉइंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 1,20,000, मतलब 1 लाख और 1,20,000 रुपए की कैपिटल लगाया है। ऑन द सेम डे, रुकिए जरा, ऑन द सेम डे मतलब भाई 1 जनवरी को ही, ठीक है ना, ऑन द सेम डे ए गेव अ लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 45,000, मतलब 1 जनवरी को ही ए ने लोन दे दिया, कितने का, 45,000 रुपए का। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 45,000, साल भर का प्रॉफिट कितना है, 45,000 रुपए। हाउ विल यू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ध्यान से सुनना है, मतलब यहां क्लियरली लिखा है ना भाई कि पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई समझौता नहीं है। शो बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होना चाहिए, है ना, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में ही इसको हम बांटेंगे। चलिए स्टार्ट करें, बोलिए, सॉरी एप्रोप्रिएशन नहीं, वैसे तो ये किताब वाला बड़ा चालाक है, पढ़ा लिखा लग रहा है, इसने ऐसा ही लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन करना ना। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है आपको,
सबसे पहले देखिए इस अकाउंट का फॉर्मेट मैंने फर्स्ट वीडियो इसी सीरीज में पहला वीडियो अपलोड करा था जहां पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना फॉर्मेट आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है, 45,000 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ था। अब क्योंकि उनके बीच में कोई भी डीड नहीं है तो उनको कुछ भी नहीं देंगे, ना सैलरी, ना इंटरेस्ट, ना ब्याज, सिर्फ क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम। तो ये 45,000 का 6% इंटरेस्ट निकालेंगे, 2700 आएगा, ठीक है। फिर क्रेडिट का टोटल करके 45,000 से 2700 रुपए को घटा देंगे तो 42,300 रुपए बचेगा। तो ये जो 42,300 रुपए बचा है प्रॉफिट, इसको हम रिमेनिंग पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट को आधा आधा, मतलब बराबर बराबर बांट देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, दोनों को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 42,300 का 1/2, 42,300 का 1/2, 21,150 रुपए। समझ में आ गया? आपको पता है एमबी बोर्ड में ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार तो आ ही चुका होगा, पिछले 20-25 सालों में मिला करके 10 बार आ चुका है। आप कहेंगे सर ये इतने दिनों से आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल आ रहा है, सेम अमाउंट है ना। कई बार ये जीरो बढ़ा देते हैं, 45,000 की जगह 4500 हो जाता है या 450 हो जाएगा, मैक्सिमम इतना ही चेंज होता है। गॉट इट? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्या है, ए बी आर पार्टनर्स, एक फर्म में पार्टनर है, उनका नाम क्या है भाई, ए और बी पार्टनर है, 1 जनवरी 2018 को विदाउट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लो भाई, पहली लाइन में ही सारी बात लिख दिया है किताब वाले ने, क्या लिखा, विदाउट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब उनके बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब जब आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, तो कौन सा रूल लग जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम मिलेगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? ओके, तो क्वेश्चन पढ़े आगे, एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 35,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब भाई उन्होंने 35,000 रुपए और 20,000 रुपए की कैपिटल निकाली है, ध्यान से पढ़ना है। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, ऑन 31 जुलाई 2018, डेट को ध्यान रखिए, यहाँ है 1 जनवरी, यहाँ है 31 जुलाई, उसने लोन कब दिया है, एडवांस 8,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। ए ने लोन दिया है 8,000 रुपए का, लेकिन तारीख क्या है, 31 जुलाई को, मतलब कि 7 महीने बीतने के बाद, मतलब उस लोन का फर्म ने कितने महीने यूज करा है, सिर्फ और सिर्फ 5 महीने, ठीक है ना। 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक गिनना है, तो जुलाई को तो गिनेंगे नहीं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इसको। द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट द पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर, प्रॉफिट है हमारा 13,520 रुपए का, ध्यान से सुनिएगा, आगे पढ़ लेते हैं। द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री अपॉन क्वेश्चंस ऑफ इंटरेस्ट एंड अपॉन द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब पार्टनर्स के लोग एग्री नहीं है, उनमें कुछ विवाद होगा। यू आर, आपके लिए लिखा, अरे यहाँ लिखा है यू आर रिक्वायर्ड, यू मतलब तुम, और ये आप लोगों के लिए लिखा है भाई, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम, उनके बीच में प्रॉफिट आप बांटो, गिविंग रीजन फॉर योर मेथड्स, और रीजन भी लिख देना। तो रीजन यही लिखना है कि भाई पार्टनरशिप में अगर डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट, कोई सैलरी, कोई कमीशन कुछ भी नहीं मिलता है, और उसको इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% मिलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ यू मतलब आपके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। फिर भी चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, गॉट इट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सुनना है। तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हमने, 13,520 यहां पर हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन लोन।
ए ने फर्म को लोन, ए गेव लोन, ए ने लोन कब दिया है भाई, ए ने एडवांस दिया है, कितना कितना दिया है 8,000 रुपए, है ना, कितने तारीख को 31 जुलाई को, 31 दिसंबर तक हम गिनते ही हैं, 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा, तो 8,000 का 6% 5 महीने का। आप कहेंगे सर ये 6% कहाँ से आया, तो ये भाई पार्टनरशिप डीड ना होने पर रूल में दिया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है ना, 6%। आप कहेंगे सर हमको इसको सॉल्व करना सिखाइए, तो भाई लो 6 से 2 बार जाएगा, 2 जीरो भी कैंसिल कर दिया, तो 2 से यहाँ 4 बचेगा, 40 × 5 = 200। सॉल्व करना तो आसान था, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 200 रुपए। अब चलिए आगे के स्टेप, 13,520 यहां क्रेडिट वाला टोटल लिखेंगे, इस 13,520 में 200 घटा देंगे तो 13,320 आएगा। ये जो प्रॉफिट बचता है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं बराबर इक्वली, तो ए और बी दो ही पार्टनर हैं, तो 13,320 को 1/2 में बांटेंगे, तो मुझे लगता है कि यही आएगा, अगर कुछ अलग आए तो आप बताइएगा, ठीक है ना, आई होप इतना ही आएगा, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। देखिए अब आप कहेंगे कि सर ये वन वे कम्युनिकेशन है, हम आपसे डाउट कैसे पूछें सर, तो भाई डाउट पूछने के लिए ना जिसको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, मेरा ऐप डाउनलोड कर लो आप, ऐप में आप डाउट भी पूछ सकते हैं, उसमें भी बैचेज चलते हैं, तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो, बाकी YouTube पर जब ये वीडियो आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछिए, जो भी हो, आप मुझसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं चैनल में, मतलब पुराने स्टूडेंट हैं, नए अभी 11,000 बच्चों के आसपास हैं जो कि पुराने हैं, अब नए तो जुड़ ही रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आता है ना, तो भाई इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ये नहीं कि अकेले अकेले पढ़ लो, और जहाँ पे कोचिंग पढ़ने जाते हो ना आप, तो वहाँ भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उन सर का घाटा नहीं हो या मैडम का घाटा नहीं हो, बाकी आपको यहाँ पर भी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि अब मैं ऑफलाइन सेंटर बंद करके पूरा ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ पूरे MP के बच्चों को, ठीक है ना, सिर्फ भोपाल के बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा, सारे बच्चों को पढ़ाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।